नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। होप सो सब अच्छे होंगे। हमारे एनसीईआरटी लेक्चर सीरीज में हम क्लास सिक्स की एनसीईआरटी डिस्कस कर रहे थे और क्लास सिक्स की एसएसटी के एनसीईआरटी में इतिहास की जो बुक है हमारा अतीत फर्स्ट, उसका चैप्टर वन डिस्कस कर चुके थे। अब चैप्टर टू डिस्कस करेंगे आज। चैप्टर टू में, चैप्टर टू का नाम है आरंभिक मानव की खोज में, यानी कि आरंभिक मानव ने क्या क्या खोजें की उसके बारे में इस चैप्टर में बताया गया है। तो ये क्लास सिक्स के स्टूडेंट्स के प्रस्पेक्टिव से भी सारी चीज़ें हम कवर करेंगे और बाकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस चैप्टर से कौन कौन सी बातें इंपॉर्टेंट हमारे लिए हो सकती हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए लेक्चर सीरीज की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इसमें बताया गया है कि आरंभिक मानव, सबसे पहला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि भाई आरंभिक मानव आखिर वे इधर उधर क्यों घूमते थे, क्या रीज़न था कि वो इधर उधर घूमते थे। तो इसमें सबसे पहला इम्पोर्टेंट पॉइंट हमारे लिए है कि उपमहाद्वीप में लगभग 20 लाख साल पहले जो लोग रहते थे उनके बारे में हम जानते हैं और उनको हम आखेट खाद संग्राहक के रूप में जानते हैं। क्या कहते हैं? आखेट खाद संग्राहक। आखेट खाद संग्राहक क्यों कहते हैं? क्योंकि उनके भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर इनको आखेट खाद संग्राहक कहते थे। पूछा जा सकता है 20 लाख साल पहले जो मानव रहता था धरती पर उसको क्या कहते थे? आखेट खाद संग्राहक क्यों कहते थे? क्योंकि उनके भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर उनको ये नाम दिया गया था। आमतौर पर वे क्या खाते थे? जंगली जानवरों का शिकार करते थे, मछलियाँ, चिड़ियाओं को पकड़ते थे, फल मूल दाने ये भी वो खाते थे। इसके अलावा हमारे उपमहाद्वीप में जैसे गर्म देशों, गर्म जलवायु यहाँ पर है, पेड़ पौधों की अनगिनत जातियाँ मिलती है, इसलिए पेड़ पौधे से मिलने वाले खाद्य पदार्थ भोजन अत्यंत इनके महत्वपूर्ण स्रोत थे। तो ये पूछे भाई 20 लाख साल पहले मानव के भोजन का मुख्य स्रोत क्या था? तो खाद पेड़ पौधे मुख्य स्रोत थे, क्योंकि गर्म जलवायु में ये पेड़ पौधे ही ज़्यादा मिलते थे। लेकिन ये सब कर पाना इतना आसान नहीं था जितना हम कह रहे हैं कि वो शिकार कर लेता था, पेड़ पौधे खा लेता था, ऐसा आसान नहीं था। क्यों आसान नहीं था? पहला कारण था इसका कि ऐसे कई जानवर थे जो मानव से बहुत तेज भागते थे, ठीक है, और मानव से बहुत ताकतवर था, तो उनको पकड़ना मुश्किल था। दूसरा चीज, जानवरों के शिकार चिड़िया मछलियाँ पकड़ने के लिए बड़ा सतर्क और जागरूक और तेज होने की जरूरत थी। जैसे चिड़िया बहुत फास्टली मूव कर जाती तो उसके लिए सतर्कता एक्टिवनेस बहुत ज़्यादा जरूरी है। तीसरा कारण, पेड़ पौधों से खाना जुटाने के लिए जानना जरूरी होता है कि कौन कौन से पेड़ पौधे खाने योग्य हैं और कौन कौन से पेड़ पौधे विषैले हैं। इसके साथ साथ हमें यह भी जानकारी होना अति आवश्यक है कि फलों के पकने का समय क्या है। तो ये इतना आसान काम नहीं था कि खाद्य पदार्थ का संग्रह करना, जो इसको आखिर खाद्य संग्राहक नाम दिया गया है। तो क्यों आसान नहीं था, ये पॉइंट आप उसमें मेंशन कर सकते हैं और एग्जाम में भी ये पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है, आखिर खाद्य संग्राहक समुदाय के लोग एक जगह से दूसरी जगह घूमते थे, एक जगह से दूसरी जगह घूमते थे, और इसके चार कारण हो सकते हैं कि भाई एक जगह से दूसरी जगह क्यों घूमते थे। तो उसका पहला कारण यह है कि अगर वे एक ही जगह पर ज़्यादा दिनों तक रहते तो आसपास के पौधे फलों और जानवरों को खाकर वो समाप्त कर देते थे, इसलिए भोजन की तलाश में उन्हें दूसरी जगह जाना पड़ता था। पहला कारण था भोजन की तलाश में। दूसरा कारण यह था कि जानवर अपने शिकार के लिए या फिर हिरण अपना चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे, इसलिए इन जानवरों को शिकार करने के लिए ही मानव को पीछे पीछे इनके जाना पड़ता था, यानी कि जानवरों के पीछे पीछे उसको जाना पड़ता था। तीसरा कारण यह हो सकता है कि पेड़ पौधे में फल फूल अलग अलग मौसम में आते थे, इसलिए लोग उनकी तलाश में उपयुक्त मौसम के अनुसार उपयुक्त स्थानों पर घूमते थे, यानी कि मौसम के अनुसार जो वनस्पति में फल फूल आते थे, जैसे कि अभी बाजरा का सीजन है, फिर गेहूँ का सीजन आएगा, तो इस हिसाब से जो खाद्य पदार्थ जिस जलवायु में होते थे उधर ही मानव घूमता था। चौथा कारण यह है कि पानी के बिना किसी प्राणी पेड़ पौधे को जीवित नहीं रखा जा सकता, और पानी मुख्यतः उस टाइम झीलों, झरनों तथा नदियों मिलता था। यद्यपि कई नदियों और झीलों का पानी कभी नहीं सूखता था, लेकिन कुछ नदियों और झीलों में पानी केवल बारिश के मौसम में मिलता था, इसलिए ऐसे झीलों और नदियों के किनारे बसे लोग सूखे मौसम में पानी की तलाश में इधर उधर जाते थे। इसके अलावा कुछ लोग अपने नाते रिश्तेदारियों से मिलने के लिए भी जाते थे, इसके अलावा बाकी लोग घूमने के पर्पज से भी जाते थे। तो ये चार कारण हम लिख सकते हैं कि क्यों खाद्य संग्राहक समुदाय एक जगह से दूसरी जगह जाता था। इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट हमें याद रखना है कि उस समय सभी लोग पैदल यात्रा करते थे। 20 लाख साल पहले क्या करते थे? सभी लोग पैदल यात्रा करते थे। इसमें क्वेश्चन पूछा गया एनसीईआरटी में, तुम स्कूल कैसे जाते थे या जाते हो? आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मेंशन कर सकते हैं। इसके अलावा
अब अगला क्वेश्चन इसमें मेंशन किया गया कि आरंभिक मानव के बारे में हमें जानकारी आखिर कैसे मिलती है, हम कैसे जान पाए कि आरंभिक मानव ये खाता था। हमने फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस किया कि 4,700 साल पहले पहला नगर सिंधु नदी के आसपास क्षेत्र में बसा, 2,500 साल पहले गंगा नदी के आसपास क्षेत्र में बसा, तो वो कैसे पता लगाते हैं। तो जो पुरातत्वविद हैं को कुछ ऐसी वस्तु मिलती हैं जो जिनका निर्माण और उपयोग खाद्य संग्राह करते थे, यानी कि मनुष्य जो जिन चीज़ों का निर्माण व उपयोग करता था ऐसी चीज़ें पुरातत्वविदों को मिली हैं। ये संभव है कि लोगों ने अपने काम के लिए पत्थर, लकड़ी और हड्डियों के औजार बनाए। इनमें से पत्थरों के औजार आज भी बचे हैं, बाकी औजार क्या हो गए, नष्ट हो गए। इनमें चित्र दिखाया गया है कि सबसे खै जो चित्र है उसमें सबसे पुराने औजार हैं, फिर उसके बाद में खै जो में जो बने वो हजारों साल पहले बने, इसके बाद में फिर बने गै वाले औजार बने, इसके 10,000 साल बाद वाले बने ये उससे इस्तेमाल वाले माइक्रोलिथ भी कहते हैं, और ये एक प्राकृतिक पत्थर इसमें दिखाया गया है। तो अगर देखें तो शायद धीरे धीरे औजारों क्या होता गया, कम होता गया, तो इसे भी हम पता लगा सकते हैं कौन सा औजार प्राचीनतम है और कौन सा नवीनतम है। इनमें से कुछ औजारों का उपयोग फल फूल काटने, हड्डियाँ और मांस काटने तथा पेड़ों की छाल और जानवरों के खाल उतारने के लिए किया जाता था। कुछ के साथ हड्डियां लकड़ियों के मट्ठे लगाकर भाले और बाण जैसे हथियारों को में भी इसका उपयोग किया जाता था। इन औजारों का कुछ औजारों से लकड़ियां काटी जाती थी और लकड़ियों का उपयोग ईंधन और झोपड़ी बनाने में किया जाता था। तो ये औजार और उनका उपयोग क्या था ये इसमें बताया गया है। इसके अलावा रहने की जगह निर्धारित करना कि भाई वो कहाँ पर रहते थे। लाल त्रिकोण वाले स्थान वे पुरस्थल हैं जहाँ पर आखेट खाद्य संग्राह होने के प्रमाण मिले हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे जगह हैं जहाँ आखेट खाद्य संग्राह मिलते हैं। तो ये डायग्राम, ये जो मैप इसमें दिया गया है बहुत ही इंपॉर्टेंट मैप इसके अंदर दिया गया है, जिसमें कुछ पुरातात्विक स्थल इसमें बताए गए जो पूछे जा सकते हैं। रेड जो ट्राइंगल के रूप में दिखाए गए हैं वो पुरापाषाण काल है। आगे हम देखेंगे पुरापाषाण काल कौन समय कहते हैं, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल किसको कहते हैं। तो पुरापाषाण कालीन स्थल इस मैप के अंदर देखते हैं, तो सबसे पहले भीम बेटे का जो मध्य प्रदेश में एक पुरापाषाण कालीन स्थल है। इसके अलावा हुसंगी जो कर्नाटक में वो भी एक पुरापाषाण कालीन स्थल है। इसके अलावा कुरनूल की गुफाएं हैं वो तमिलनाडु में, वो भी एक पुरापाषाण कालीन स्थल है। तो ये तीन हमें ध्यान रखना है, भीमबेटका, हुसंगी और कुरनूल गुफाएं, ये पुरापाषाण कालीन स्थल है। इसके अलावा जो स्क्वायर में दे रखा है और ब्लू कलर में है वो कौन से हैं, नवपाषाणकालिक स्थल हैं। नवपाषाणकालिक स्थल में सबसे पहले जम्मू कश्मीर के अंदर बुरजोम है, पाकिस्तान के अंदर मेहरगढ़ है या मेहरानगढ़ भी इसको बोलते हैं। इसके अलावा फिर ये मध्य छत्तीसगढ़, मध्य उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के आसपास है, महागढ़ा, कोलिड हैवा। इसके अलावा चिरौंद है। इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट के अंदर दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दाओजली हेडिंग। तो दाओजली हेडिंग का कौन सा पूरा स्थल है, नवपाषाणकालीन पूरा स्थल है जो ये त्रिपुरा के आसपास, मेघालय त्रिपुरा के आसपास ये स्थित है। इसके अलावा अगर साउथ इंडिया में देखें तो अल्लूर है, ये कहाँ पर है, कर्नाटका के अंदर। इसके अलावा पयमपल्ली है, ये नीचे तमिलनाडु साइड में ये है। इसके अलावा जो ग्रीन कलर में दिखाए गए वो महापाषाणकालिक पूरा स्थल है। इसमें साउथ में आदिचनल्लूर, ब्रह्मगिरी हैं, ये दो ही महापाषाणकालिक स्थल है, ब्रह्मगिरी और आदिचनल्लूर। तो ये दो साउथ में मिलने वाले महापाषाणकालिक स्थल है। इसके अलावा आरंभिक गांव की बात करें तो इमाम गांव जो या इनाम गांव महाराष्ट्र में स्थित है, और आधुनिक नगर की बात करें तो मुंबई कोलकाता ही है। ये तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। तो मध्य पाषाण का जो नवपाषाणकालिक स्थल है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बुरजोम, मेहरानगढ़, चिरौंद, दाओजली हेडिंग नॉर्थ ईस्ट में, कोलिडिया हवा, महागढ़ और पयमपल्ली साउथ इंडिया में, पयमपल्ली और हल्लूर है। और अगर बात करें महापाषाणकालिक स्थल की तो दो स्थल इसमें दिखाए गए, ब्रह्मगिरी और आदिचनल्लूर, ये दोनों किधर हैं, साउथ इंडिया के अंदर ये हैं। तो ये मैप काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम परस्पेक्टिव के लिए। इसके अलावा चूँकि पत्थर के उपकरण बहुत महत्वपूर्ण थे इसलिए लोग ऐसी जगह ढूंढते रहते थे जहाँ अच्छे पत्थर मिलते, ऐसे जगह पर ये ज़्यादा रहते थे। जहाँ लोग पत्थरों के औजार बनाते थे उन स्थलों को उद्योग स्थल कहते थे, यानी प्राचीन काल में उद्योग स्थल किसी को कहते हैं, जहाँ पर कोई उद्योग धंधा नहीं, जहाँ पर पत्थरों के औजार बनाए जाते थे उन स्थलों को उद्योग स्थल कहते थे। हमें इन उद्योग स्थलों के बारे में जानकारी हमें कैसे मिली कि भाई ये एक उद्योग स्थल था। तो आमतौर पर हमें ऐसे जगहों पर पत्थर के बड़े बड़े टुकड़े मिलते हैं या ऐसे उपकरण मिलते हैं जिन्हें लोग इन स्थल पर छोड़ गए क्योंकि वो ठीक से नहीं बने होंगे। साथ ही ऐसे औजार बनाने के बाद पत्थर के टूटे फूटे टुकड़े भी इन स्थानों से मिलते हैं। और कभी कभी लोग इन स्थलों पर कुछ ज़्यादा समय तक यहाँ रहा करते थे, ऐसे स्थलों को आवासीय और उद्योग स्थल कहते हैं, यानी कि जहाँ पर रहते भी थे और पत्थर के औजार बनाते थे उनको आवासीय और उद्योग स्थल कहते हैं। भीम
बेटेका की बात इसमें की गई, भीमटेका आधुनिक मध्य प्रदेश में ये आवासीय पुरास्थल है जहाँ लोग रहते थे, और इनमें गुफाओं और कंदराव जैसे स्थल हैं। लोग इन गुफाओं में इसलिए रहते थे क्योंकि यहाँ इन्हें बारिश धूप और हवाओं से राहत मिलती थी। पूछ सकते हैं कि भाई लोग गुफाओं में क्यों रहते थे, क्योंकि बारिश धूप और हवाओं से इनमें राहत मिलती थी। ऐसी प्राकृतिक गुफाएं विंध्य और दक्कन के पर्वतीय इलाकों में मिलती हैं जो नर्मदा घाटी के पास स्थित हैं। नर्मदा घाटी के पास ही सबसे पहले मानव ने शिकार करना शुरू किया था और खाद्य पदार्थ का संग्रहण करना शुरू किया था। ये इसमें हमने पहले बता दिया कि ये भीमटेका है जो पुरापाषाण काल में स्थित है। भीमटेका उसंगी और कुरनूल भीमटेका है मध्य प्रदेश में स्थित है। इसके अलावा पुरास्थल क्या होता है, वो इसके अंदर बताया गया है कि पुरास्थल उस स्थान को कहते हैं जहाँ औजार और बर्तन और इमारत जैसी वस्तुओं का अवशेष मिलते हैं। ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोग अपने काम के लिए किया करते, बाद में उन्हें छोड़ गए। ये जमीन के ऊपर अंदर कभी समुद्र और नदी के तल में भी ये पाए जाते हैं। अब इसके अलावा इसमें बताया गया कि पाषाण औजारों का निर्माण कैसे करते थे, तो दो तरीके से औजार बनाए जाते थे। पहला तरीका था पत्थर से पत्थर को टकरा करके औजार बनाते थे, उसे जैसे एक हाथ मिला जाए दूसरे हाथ से उस पत्थर को टकराया जाता था हथौड़े की तरह, जैसे इस आघात करने वाले पत्थर से दूसरे पत्थर पर तब तक छलक निकल जाते थे, यानी पत्थर से पत्थर टकरा करके औजार बनाए। दूसरे तरीका था दबाव छलक तकनीक, इसमें क्रोड़ को एक स्थिर सतह पर टिकाया जाता था और इस क्रोड़ पर हड्डी या पत्थर रखकर उस पर हथौड़ी नुमा पत्थर से छलक निकालते थे, जिसे वांछित उपकरण बनाए जाते थे। ये डायग्राम इसमें दिखाया गया, तो दोनों आदम काम कर रहे हैं। तो ये कौन सी तकनीक है, पत्थर से पत्थर को टकराने वाली तकनीक से इसमें औजार बनाए जा रहे हैं। दबाव छलक तकनीक में एक सतह पर टिका करके फिर औजार बनाए जाते हैं। आगे इसमें बताया गया कि आग की खोज कैसे हुई, कहाँ क्या हुआ, तो आग की खोज के बारे में इसमें बताया गया कुरनूल की गुफा, जो हमने बताया था कि एक पुरापाषाण कालीन स्थल है तमिलनाडु के आसपास, यहाँ राख के अवशेष मिले हैं। तो इसका मतलब यह है कि लोग आरंभिक लोग अपना आग जलाना सीख गए थे, और इसका उपयोग वो प्रकाश के लिए, मांस को पकाने के लिए, खतरनाक जानवरों को दूर भगाने के लिए करते थे आग का उपयोग। इसके अलावा बात करें बदलती जलवायु की, तो लगभग 12,000 साल पहले, कब, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव आए और गर्मी बढ़ने लगी। इसके परिणाम स्वरूप कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान बनने लगे। तो घास के मैदान कब बनने लगे, 12,000 साल पहले। इसे हिरण, बारहसिंघा, भेड़, बकरी और गाय जैसे उन जानवरों की संख्या बढ़ी जो घास खाकर जिंदा रह सकते थे, और जो लोग इन जानवरों का शिकार करते थे वे भी इनके पीछे आए और इनके खान पान की आदतों और प्रजनन के समय की जानकारी हासिल करने लगे। हो सकता है कि तब लोग इन जानवरों को पकड़कर अपनी ज़रूरत के अनुसार पालने की बात सोचने लगे हों, और साथ ही इस काल में मछली भी भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत बन गई थी। कब बन गई थी, 12,000 साल पहले, जब जलवायु गर्म हो गई थी और घास के मैदान बनने लगे थे। इसी दौरान उपमहाद्वीप में गेहूँ, जौ, धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे थे। अब बात की गई इसमें नाम और तिथियों के, जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हम जिस काल के बारे में पढ़ रहे हैं पुरातत्वविद ने उन्हें बड़े बड़े नाम रखे हैं। आरंभिक काल को वे पुरापाषाण काल कहते थे। कौन सा काल कहते थे, पुरापाषाण काल, जो दो शब्दों से मिला है, पुरा मतलब प्राचीन और पाषाण यानी पत्थर, यानी कि पुरास्थल पत्थरों के औजारों के महत्व को बताता है। पुरापाषाण काल कब से माना जाता है, 20 लाख साल से 12,000 साल पहले तक का जो काल है उसको क्या कहते हैं, पुरापाषाण काल। और पुरापाषाण काल को तीन भागों में बांटा गया है, आरंभिक पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और उत्तर पुरापाषाण काल। और दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर एग्जाम परस्पेक्टिव कि मानव इतिहास की जो लगभग 99% घटनाएं वो कब घटित हो गई थी, पुरापाषाण काल में ही घटित हो गई थी। कब घटित हो गई थी, पुरापाषाण काल में ही घटित हो गई थी मानव इतिहास की 99% घटनाएं। जिस काल में हमें पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं, जिस काल में हमें पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं उस काल को मेसोलिथ कहते हैं या मध्य पाषाण युग कहते हैं। इसका समय 12,000 साल से 10,000 साल पहले तक का जो समय था उसको मध्य पाषाण काल या मेसोलिथ कहते हैं, जिसमें पर्यावरणीय बदलाव मिले हैं। काल के पाषाण मध्य पाषाण काल में आमतौर पर जो औजार थे वो बहुत छोटे थे, इन औजारों को माइक्रोलिथ कहते हैं या लघु पाषाण कहते हैं। तो कौन से काल में औजार सबसे छोटे थे, मध्य पाषाण काल में, जिनको माइक्रोलिथ कहते हैं। इन औजारों में हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगे हंसी और जैसे औजार मिलते थे। साथ साथ पुरापाषाण युग वाले औजार भी इस दौरान बनाए जाते थे। इस दौरान बनाए गए औजारों में बहुत सारे बदलाव हमने पहले दिखाए थे कि औजार ऊपर डायग्राम में, कि औजार धीरे धीरे समय के साथ कैसे होते गए, छोटे होते गए। अगले युग की शुरुआत 10,000 साल पहले से होती है और 10,000 साल पहले का जो समय उसको नवपाषाण युग कहते हैं। तो पुरापाषाण युग कब था, 20 लाख से 12,000 पहले, मध्य पाषाण युग 12 से 10,000, और 10,000 से अब जो पहले का टाइम था उसको नवपाषाण युग कहते हैं।
हमें कुछ स्थानों के नाम दिए गए हैं, उसमें नवपाषाण कालीन स्थल भी अभी हमने दिखाए थे, इसके अलावा डायग्राम में उसमें मैप के अंदर दिखाए गए। शैल चित्रकला की इसमें बात की गई है, जिन गुफाओं में लोग रहते थे उनमें कुछ की दीवारों पर चित्र बनाते थे। कहाँ पर चित्र बनाते थे? दीवारों पर चित्र बनाते थे, उनकी दीवारों पर चित्र बनाते थे। इन कुछ सुंदर उदाहरण मध्य प्रदेश और दक्षिण उत्तर प्रदेश की गुफाओं में मिलते हैं। इनमें जंगली जानवरों का बड़ी कुशलता से सजीव चित्रण किया गया है। तो ये पूछ सकता है कि किस पर चित्र बनाते थे? दीवारों पर चित्र बनाते थे। कौन क्या करता था? ये क्वेश्चन है कि भाई क्या मान इसमें ऐसा बटा हुआ था कि स्त्री ये काम करेगी, पुरुष ये काम करेगी, तो ऐसा कोई बंटवारा नहीं था, कोई भी कुछ भी काम कर सकता था। इसके अलावा भारत में पुरापाषाण युग के दौरान शुतुरमुर्ग महाराष्ट्र में मिलते थे। शुतुरमुर्ग के अंडे कहाँ मिले? पुरापाषाण काल में महाराष्ट्र के अंदर मिले। इसके अलावा होसंगी का सूक्ष्म निरीक्षण भी इसमें बताया गया है। होसंगी हम पहले बता चुके हैं मैप में कि ये कौन सा कहाँ का पुरापाषाण कालीन स्थल है, होसंगी कर्नाटका का। यहाँ पुरापाषाण युग के कई पुरास्थल मिले हैं, ये कहाँ पर स्थित है? कर्नाटका में स्थित हैं। यहाँ छोटे छोटे औजार भी मिले हैं, आवास और उद्योग स्थल रहा होगा। इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि होसंगी के जो औजार है वो किससे बने हैं? चूना पत्थरों से ये बनाए गए। इसके अलावा इसमें एक स्टोरी दी गई है कि फ्रांस की एक गुफा है जहाँ 100 साल पहले 4 स्कूली छात्रों ने इसको खोजा था, और ये 20,000 साल से 10,000 साल प्राचीन ये गुफा है जिसकी दीवारों पर चित्र बनाए गए हैं। और इसमें जो चित्र बनाए गए हैं रंगों के लिए लोहा, स्कोर, चारकोल जैसे खनिज पदार्थ उपयोग किए गए थे। इसके अलावा अगर क्वेश्चन आंसर की बात करें तो आखेट खाद्य संग्रह गुफाओं में इसलिए रहते थे। क्यों रहते थे? क्योंकि वो धूप से बच सके, बारिश से बच सके। घास वाले मैदानों का विकास कितने साल पहले हो गया? 12,000 साल पहले। आरंभिक लोगों ने गुफाओं की दीवारों पर चित्र बनाए। होसंगी में चूने पत्थर से औजार बनाए जाते थे। तो दिस इज ए वेरी स्मॉल चैप्टर एंड वेरी गुड चैप्टर, क्वेश्चंस के परस्पेक्टिव से काफ़ी अच्छा चैप्टर है। आई होप यू लाइक इट।